आपस में जुड़े हों उसको हम बोल देंगे केमिकल फोर्स, और केमिकल फोर्स का नाम है केमिकल बॉन्ड। तो यार देखो तीन तरह के केमिकल बॉन्ड तुमको पढ़ने हैं, मैं ये नहीं कह रहा तीन तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, तीन तरह के केमिकल बॉन्ड तुमको पढ़ने हैं। पहला जो तुमको पढ़ना है वो है आयनिक बॉन्ड, है ना, उसका एक और नाम क्या है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा जो तुमको पढ़ना है भाई साहब वो है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो पढ़ना है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो तीन तरह के बॉन्डिंग हमको पढ़नी है, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो भाई चालू करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं चैप्टर आयनिक बॉन्डिंग से, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड या दूसरा नाम इसका इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होता है। तो इसके बारे में रूल नंबर वन याद कर लो पहले, ये वहां मिलेगा जहां पे एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड हो, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड है तो सोचना नहीं है, सीधा बता देना इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा बनता कैसे, देखो मेटल की टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। देखो मेटल के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, है ना। मेटल के जो वैलेंस शेल होता है आखिरी शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, और नॉन मेटल के वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन। तो यार तुमने सबने ये पढ़ रखा होगा ना ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8। तो यार ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है इसी को हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और डिटेल में समझते हैं कि कहानी क्या हो रही है। एक काम करते हैं एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से ही बात समझ में आएगी। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, है ना, सब लेंगे यार MgCl2 NaCl सब लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सोडियम है और क्लोरीन है, तो भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कॉन्फिगरेशन 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, 287। तो सोडियम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7। अगर सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो यारी शेल पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, और सोडियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्लोरीन के आखिरी शेल में भी हो जाएंगे 8, और दोनों हो जाएंगे स्टेबल। ऑक्टेट थ्योरी यही बोलती है कि एटम स्टेबल होना चाहता है, एटम स्टेबल तब होता है जब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो सोडियम कोशिश करेगा ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो उसकी आखिरी शेल ये बचेगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के पास भी हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बन जाएगा Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और क्लोरीन क्या करेगा इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, बन जाएगा Cl-। ये इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकलकर बाहर आ गया और यही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम पे आया प्लस चार्ज, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब भाई साहब एक हो गया हमारा Na+, एक हो गया हमारा Cl-। आपको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को ना बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स होती है जिससे अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स का ही नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिजिक्स में उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फोर्स है दो चार्ज के बीच। देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसी बॉन्ड का नाम हमने रख दिया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों नाम रखा, क्योंकि एक सोडियम का आयन एक क्लोरीन का आयन। अगर हम देखें तो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के आयन से बनता है, एक कैटायन से और एक एनायन से। यार इसमें कैटायन कौन है सबको पहचानते हो ना, पॉजिटिव वाला, और एनायन कौन है नेगेटिव वाला। तो हमसे अगर बोर्ड पूछ रहे कि इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किन तरह के आयन से बनता है तो बोल दो कैटायन और एनायन से। बीच में कौन सी फोर्स रहती है तो बोल दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसी फोर्स है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ये चार्जेस बड़े पास होते हैं और फोर्स बहुत ज्यादा होती है, यहाँ तो दूर करके दिखाया है, ठीक है। बनता कैसे है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अच्छा एक चीज और सुनो, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये होता है ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। नहीं समझ में आ रहा है तो जाके मेटलर्जी चैप्टर देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर देखो, उसमें ये चीज कई बार बताई है मैंने। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ये याद कर लो ऑयल, और ये याद कर लो रिग। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का हुआ रिडक्शन। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और दूसरा कौन सा हो रहा है रिडक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो तो उनका कंबाइंड नाम केमिस्ट्री में दिया जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप देखो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर से सुने मेरी बात, जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नॉन मेटल है वो उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साथ में होते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज अ एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अब डेफिनेशन पे आते हैं, किताब में क्या दिया है, डिफाइन इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन टू एटम्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड
from the valence shell of one atom to the valence shell of another atom, and there is a strong electrostatic force between them, and that force is called electrovalent bond. समझ में आया? When there is a complete transfer, किताब में ये वाला भी बड़ा ध्यान से लिखते हैं, complete transfer मतलब electron पूरी तरह से निकल कर यहाँ आ गया. There is a complete transfer of electron from the valence shell of one atom to the valence shell of another atom. Better ये बोलो from the valence shell of a metal to a valence shell of a non-metal. Non-metal electron लेगा, metal lose करेगा, NaCl बन गया. अच्छा मैं बोलूँ इसको electron dot diagram करके दिखाओ. Electron dot diagram बना दे यार, क्या दिक्कत है, ऐसे बना देना कि NA के पास एक electron है आखिरी shell का, क्लोरीन के पास सात इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसको एक चाहिए, ये एक लूज करना चाहता है, इसने इसको ये दे दिया, खत्म कहानी. जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया प्लस चार्ज, क्लोरीन ने गेन किया नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में फोर्स लग गई, वैसे को बोल दिया इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. एक काम करते हैं थोड़ा बहुत और देखते हैं, इसी में एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 ना ऐसा बोर्ड में आ सकता है. तो यार मैग्नीशियम की बात करो तो एटॉमिक नंबर 12, तो 2A2 है ना, 2 8 10 12, और क्लोरीन की बात करूं मैं तो 17, तो 2 8 7. इस बार मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, दो, और क्लोरीन कितने गेन करना चाहता है, एक, तो कोई दिक्कत नहीं, एक और क्लोरीन ले आओ, 2 8 7. मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, खत्म कहानी बन गई. और देखो ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आया 2+, दो क्लोरीन उठा लो और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो 2Cl- बन गया. नहीं समझे, दो क्लोरीन के एटम उठा लिए और दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को, 2Cl-, तो हमारे पास बचा Mg 2+ और 2Cl-, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक Cl- इधर लिख लो, एक Cl- इधर लिख लो, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बीच में प्लस, इधर माइनस, ये इसको भी खींच रहा, इसको भी खींच रहा, एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इनके बीच में हो गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हो गई कि नहीं हो गई? ये हो गया मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो दो नॉन मेटल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो तो वैलेंसी पर डिपेंड करता है, उसमें बड़ी बात नहीं हुई. अच्छा इसमें किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें हो रहा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हुआ ऑक्सीडेशन. इसमें रिडक्शन किसका हो रहा, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा, क्लोरीन, तो क्लोरीन का हो गया रिडक्शन. पूरा पूरा एग्जांपल किसका हो गया, ये रिडॉक्स रिएक्शन का. कोई हमसे कहे नहीं भाई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, लो यहां बना दो. मैग्नीशियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, क्लोरीन के आखिरी शेल में सात, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और एक क्लोरीन यहाँ बना लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हो गया काम. इसके ऊपर 2+ चार्ज, माइनस, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो यार इस तरह से तुम फॉर्म कर सकते हो अपना इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड. एक और एग्जांपल ले ले, चलिए अब ले ही लेते हैं, रात का समाज में चंद्रमा, तो एक सवाल हमने और ले लिया. फॉर्मेशन ऑफ ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. MgO में कौन सी बॉन्डिंग होगी, एक एटम है मैग्नीशियम, एक एटम है ऑक्सीजन, इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी. मैग्नीशियम क्या है भाई साहब, मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड. तो यार मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2, 8, 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2, 6. तो ये चाहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन दे दें, ये चाहते हैं दो इलेक्ट्रॉन ले लें, कहानी क्लियर है. ऑक्सीडेशन मैग्नीशियम का होगा, रिडक्शन ऑक्सीजन का होगा, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2+ चार्ज, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2-, चार्ज, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी. रिएक्शन लिख सकते हैं अपन, रिएक्शन को मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बना, Mg2+, ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन लूज गेन किया, बना O2-. ये ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम, मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पास एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो, दोनों इसको दे दिया, बॉन्ड नहीं बना रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ अनदर एटम. तो ये थे भाई इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड. फिर हमसे कोई क्या, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं या आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड हो, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो, उसको हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं. यार जहाँ पे मेटल नॉन मेटल साथ में जुड़े हुए दिखे समझना, जैसे मान लो मैं तुमसे पूछने लगूंगा चांस है कि हमें ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, 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 हमें बताओ कि NaBr ये कैसा कंपाउंड है, तो ये मेटल नॉन मेटल, तो तुम बोल दो कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है. हम तो पूछे ZnCl2 कैसा कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल, तो कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड. आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें एक मेटल हो, एक नॉन मेटल हो और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हो. अब बात आती है इनकी प्रॉपर्टीज की, है ना, क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो यहाँ से सुनना, सवाल यहाँ से खूब बनते हैं, ठीक है, यहाँ से ज्यादा सवाल बनते हैं पिछले टॉपिक से. प्रॉपर्टीज सुनते जाओ, चलती जाएगी. पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यार इसी की वजह से बाकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी. ये एक जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनके पास है, इनके पास है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से पहला
इनका फिजिकल स्टेट। अब आपसे एग्जाम पूछेगा आयनिक कंपाउंड की फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो जनरली सॉलिड होती है। काय सॉलिड होती है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो एटम्स पास में रहेंगे, पास में रहेंगे तो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड। दूर दूर रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे गैस। तो ये पास में क्यों रहते हैं, सॉलिड क्यों बनते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरा पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका भी वही रीजन है जो तुम दिमाग में सोच रहे हो, क्या हाई मेल्टिंग हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जल्दी ये उबलना नहीं चाहते, जल्दी ये गलना नहीं चाहते। क्यों नहीं गलना चाहते, क्योंकि इनकी फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हीट करोगे तब टूटेंगे। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम में पूछ गया ऐसा क्यों, तो बोलना यही रीजन है, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कुछ सॉलिड क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चौथा पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये पॉइंट लिखा है इसको समझो, ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में, मतलब गलाकर, और एक्वस स्टेट में यानी पानी में डुबाकर। अगर पानी में नमक डाल दूं तो वो पानी कंडक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं नमक को गला दूं एकदम, है ना, एकदम मोल्टेन कर दूं, उसमें पानी न डालूं, मोल्ट कर दूं एकदम, हीट कर दूं बहुत ज्यादा, मेल्ट कर दूं, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। पर अगर मैं नॉर्मल नमक ले लूं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। मैं नमक का क्रिस्टल ले लूं, सॉलिड नमक है ना, समुद्र के किनारे नमक के क्रिस्टल पड़े, ऐसे सोचो, ठीक है। तो नमक के क्रिस्टल मैं समुद्र के अंदर से निकाले बड़े बड़े, और नमक के क्रिस्टल को मैं अगर रख दूं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। पर उसी को अगर मैं मेल्ट कर दूं, नमक मतलब NaCl ना, कॉमन सॉल्ट, उसी को अगर मेल्ट कर दूं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसी को पानी में डाल दूं नमक को, तो यार बढ़िया कंडक्टर बन जाता है। पानी में नमक डाल दूं, बहुत बढ़िया कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्या कहानी है भाई, इसके बारे में बात करते हैं, इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में वाग वाग पूछता है, जैसे सवाल ऐसे पूछेगा, व्हाई सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टन एंड एक्वस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई समझते हैं, आई सवाल के बारे में समझते हैं कि व्हाई सॉलिड NaCl does not conduct electricity but molten or aqueous, spelling galat hai jaan mat lena, but aqueous NaCl conducts electricity। Agar aap log acche padhne wale ho to aaj 16 hi tarikh hogi jab aap chemical bonding pe pahunch gaye hoge, और कोशिश करो कि तुम्हारा मेटलर्जी तक आज रात तक खत्म हो जाए। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो दो दिन की छुट्टी मजे लेने के लिए सोचे। नहीं नहीं अभी यार, तुमको HCl, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत लर्निंग है केमिस्ट्री में। ये सब हलवे चैप्टर हैं, जल्दी खत्म करो। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एसिड बेसिस में बहुत लर्निंग है। एसिड बेसिस को एकदम नोट्स एकदम चपक के पढ़ना, बहुत बढ़िया नोट्स दिए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो पूरे नोट्स दिए हैं अपनी कोचिंग के, उसमें यार एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुमको, उसके अंदर से सारा क्वेश्चन बनता है। मैंने एनालाइज करके पूरे नोट्स बनाए, जिसकी जिस बंदी के वो नोट्स हैं वो भी वीडियो में आएगी, देख लेना नेक्स्ट ईयर पक्का। एनीवेज तो वापस आते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ मेटलर्जी तक कवर करो। मेटलर्जी इजी है, मेटलर्जी किताब में बड़ा दिख रहा है, ऐसे मैंने जो नोट्स दिए हो चुके हैं। तो यार ये तो बहुत ही अलग चैप्टर है, इसमें कुछ ही क्वेश्चन आते हैं हर बार और बड़े हल्ले आते हैं। तो व्हाई सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टन और एक्वस NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, तो यार देखो यार, इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होती है ना जब किसी चीज के पास आयंस हो, या तो इलेक्ट्रॉन से हो तो आयंस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या आयन चाहिए। तो सॉलिड NaCl किस चीज से बना होता है बोलो, Na प्लस और Cl माइनस, तो आयंस तो हैं, पर यार इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हैज आयंस, बट आयंस आर नॉट फ्री टू मूव ड्यू टू वही दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, समझ गया ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, बट इन मोल्टेन NaCl, अब मोल्टेन कर दोगे तो क्या होगा यार, आयंस थोड़े दूर हो जाएंगे ना, आयंस आर फ्री, यार आयंस फ्री हैं, आयंस अगर घूम सकते हैं, चल सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, खत्म काम, बस ये बताना था। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, इतनी बात बतानी थी कि सॉलिड NaCl में आयंस हैं पर आयंस फ्री नहीं है, तो आयंस, कोई तुमसे पूछे सॉलिड NaCl में आयन है कि नहीं, यस वर्ड इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, बट मोल्टेन NaCl में क्या है, आयंस आर फ्री टू मूव, फ्री टू मूव, और जब आयंस फ्री जब मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो यार एक्वस में क्या हुआ, ये भी कहानी समझो, एक्वस NaCl, एक्वस NaCl मतलब पानी के अंदर, इन वाटर,
अब पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो चार्ज के बीच की फोर्स को पानी कम कर देता है, पता नहीं क्या दुश्मनी है पानी की, इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ पानी ऑफ वाटर, है ना। कई कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी है, सभी कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स से। पानी की ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, पानी दो चार्ज के बीच की फोर्स को बहुत कम कर देता है, चार्ज को बीच में जाता है तोड़ देता है और उनके बीच की फोर्स को बहुत कम कर देता है। तो पानी क्या करता है, NaCl के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी इसको वीक करता है और आयंस को दूर करता है, तो वाटर वीकेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, और फिर से भी बता दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, सो आयंस आर फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो बोल दो कि ऐसा क्यों हुआ, अब तो बोल दो बिकॉज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, डाई इलेक्ट्रिक मतलब दो चार्ज के बीच की फोर्स को कम करना। तो NaCl को जब पानी डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इनके बीच की फोर्स को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री टू मूव और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्वेश्चन इसका एक इंपॉर्टेंट बनता है। फिर एक बात आती है कि यार जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो बने किससे हैं, थोड़ा देर हो गई पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयनिक कंपाउंड्स किस चीज से बने, डैश है ना, ये नोट्स में मिल जाएगा। तो यार बड़ा सीधा आंसर, आयनिक कंपाउंड आयन से बने और खत्म, कौन से आयन से बने हैं, कैटायंस एंड एनायंस, खत्म। आयनिक कंपाउंड किससे बने, आयन से बने, कैटायंस और एनायंस से बने, और आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, क्यों, देखो जब भी तुमको चार्ज वाली स्पेशी दिखे ना इस टाइप वाली, जिधर में एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो वो चीजें पानी में सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। जहां पे तुमको पोल दिखाई पड़े, देखो ये पोल है, पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, जिस कंपाउंड में पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल दिखे वो पानी में सॉल्युबल है। पानी अपने आप में पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है, वाटर को बोला जाता है पोलर सॉल्वेंट, थोड़ी देर बाद पता चलेगा ये क्या कहानी है। पानी को हम बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, और ये पोल वाली चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कैसे करता है, भाई इनके बीच की फोर्स को कम करता है, तोड़ता है, तो आयंस अलग अलग हो जाते हैं, जैसे Na+ का एक आयन अलग हो गया, अब इसको अगल बगल से वाटर घेर लेगा, कैसे घेरेगा दिखा जल्दी दिखा, इस मान Na+ यहाँ पे, यहाँ पे ओ एच एच ये वाटर मॉलिक्यूल, ओ एच एच वाटर मॉलिक्यूल, ओ एच एच वाटर मॉलिक्यूल, है ना, ऑक्सीजन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव, उसको घेर लिया, डिसॉल्व कर दिया, इधर Cl- आया उसको H+ घेर लेंगे, H O H H O H H O H, ये Cl- को किसने खरीद ली, घेर लिया H+ ने, अदर से उसमें डिसॉल्व हो गया, ऑल्दो ये सब पूछेगा नहीं, बस आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कोई रीजन नहीं पूछने वाला आपसे, पूछे तो बोल देना कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स में चार्ज होता है, पोल होता है, और वाटर पोलर सॉल्वेंट है, या ये बोल देना वाटर का डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच की फोर्स को कम करता है, ये अलग हो जाते हैं, फिर घेर के उनको डुबा देता है, सराउंड The water molecule surrounds the cations and surround the anions, so they are soluble. पर याद रखना है कि they are highly soluble in water and they are insoluble. And they are insoluble in organic solvents. In organic solvents. तो भैया पूछोगे organic solvents क्या है? यार organic chemistry के solvent है. सबसे famous तो यही है. Carbon tetrachloride, CCl4. Carbon tetrachloride. Carbon disulfide, CS2. Benzene, C6, H6. Toluene, C6, H5, CH3. टॉलीन, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते, तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल किसमें है, वाटर में। इसके बाद यार एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयनिक कंपाउंड है उनकी कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, क्या कंडीशन कोई सेटिस्फाई करे, किन शर्तों पे कोई एग्री करे कि वो आयनिक कंपाउंड बनाए। तो यार कंडीशन क्या, पहली चीज कि जो मेटल है उसके पास शुड हैव, एक मेटल होगा एक नॉन मेटल, शुड हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो पीरियोडिक टेबल वाला वीडियो देख लो यार, आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आ जाएगा भाई। आयनाइजेशन पोटेंशियल एक एटम की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन, जिसकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। उल्टी कहानी, जैसे ionization potential या ionization energy is inversely proportional to tendency to lose electron। सर हमने तो कुछ और definition पढ़ा है यार, definition नहीं याद रखनी चाहिए ना, concept पकड़ना चाहिए, concept ये है, ionization potential is inversely proportional to tendency to lose electron। जो electron आसानी से lose करेगा
उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी लूज इलेक्ट्रॉन की, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी लूज इलेक्ट्रॉन की, आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना लो। तो यहाँ तो आप यही चाहते हो ना, आप तो चाहते ही हो कि मेटल क्या करे, मेटल शुड लूज इलेक्ट्रॉन और वही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल गेन करे। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात, जो नॉन मेटल है उसके पास होनी चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सुने हैं ये सब टर्म, थर्ड वीडियो में थोड़ा तेज कवर किया ना, पढ़ाया किताब में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल की आनी चाहिए। ये क्या है समझाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यार इसको देख लो, दिल में बसा लो, आंखों में बसे हो तो दिल में बसा लूंगा, रात ढलती जा रही है, ये रात चल रही है आज 14 की, आप पढ़ रहे हो फिजिक्स, मैं बना रहा हूँ केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यार जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा गेन करना चाहता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, एफिनिटी का मतलब होता है चाहत। तो किसी के इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत अगर ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ना? जैसे हम आपको बोले आपको मार्क्स एफिनिटी है, आपको मार्क्स चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की चाहत होना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, नॉन मेटल क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे कि ना करे, बिल्कुल करे, एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहे, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी हो, हाई हो, और मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसा हो, लो। ये दो बातें, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसके सिवा तुम ये बोल दो जो मेटल है उसके वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, जो नॉन मेटल उसके वैलेंस शेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, यार उसके बिना तो काम वैसे भी है। अब 4 वाले में काम चलेगा भाई, 5, 6, 7 में काम चलेगा, 4 पे कार्बन आएगा और कार्बन आयनिक कंपाउंडिंग बनाएगा, कार्बाइड से बहुत कम बनेंगे, ऑर्गेनिक बनते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं, मतलब 5, 6, 7। ठीक है, और इधर कितने हो, 1, 2, 3 हो। और क्या बात होगी, तीसरी बात और क्या बात कर सकते हो, इनके बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, यार ये तो कोई बात ही नहीं, डेफिनेटली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ये कैटायन बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये एनायन बनाते हैं। और मैंने बता चुका हूँ कि आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो बनता है वो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये आयनिक कंपाउंड के बारे में सारी बातें अब बात करते हैं। तो अब दूसरे तरह की बॉन्डिंग पढ़ते हैं, और दूसरे तरह की बॉन्डिंग है हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्डिंग या कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो यार ये बॉन्डिंग तुम्हें मिलती है एक नॉन मेटल और एक और नॉन मेटल के बीच में। ठीक है, तो अगर मेटल और नॉन मेटल है तो टेंशन नहीं, आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और नॉन मेटल और नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ठीक है ना भाई, नॉन मेटल और नॉन मेटल तो कोवेलेंट, मेटल और नॉन मेटल तो आयनिक। जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती कैसे है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता, भाई ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इनकी कहानी कहती है ट्रांसफर, और यहाँ पे क्या म्यूचुअल शेयरिंग, एक तो शेयर करना है आपस में, म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब बराबर से, है ना। एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन एग्जांपल लेने से स्टार्ट करते हैं सर तो ही मजा आएगा, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं सीधा हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, इस पे एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन नीचे होते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्शन होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन पे खुश होता है, जिसको हम डुप्लेट का केस कहते हैं। मैक्सिमम सभी एटम ऑक्टेट बनाते हैं, हाइड्रोजन हीलियम 2 एक्सेप्शन, ये ड्यूप्लेट बना के स्टेबल हो जाते हैं। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। अब अगर ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि एटम के एग्जिस्टेंस को प्रॉब्लम देगा, ये आयन बन जाएगा। तो ये क्या करेगा, कहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मैं भी रखता हूँ तुम भी रखो, ये कहेगा ये इलेक्ट्रॉन मैं भी रखता हूँ तुम भी रखो, मतलब इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन रखे और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन रखे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इन दोनों में शेयर हो गया म्यूचुअली, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने एक। अब एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो बॉन्ड बना, ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम रख दिया कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग शेयरिंग नहीं है, आयनिक बॉन्डिंग ट्रांसफर है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या शेयरिंग, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग का एक नाम दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया दोनों में, इसका नाम दिया क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। असल में कैसा होता है, जैसे आपको पता है एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता होता है, अगर तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अगर कोई घूम रहा है, तो होता क्या है कि ये शेल का इलेक्ट्रॉन इधर भी चला जाता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकता है, तो ये ऐसे बंद रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में भी घूम सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसकी शेल में, इस हाइड्रोजन की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, इस हाइड्रोजन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, काम बन गया। ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई इसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर है तो इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो भाई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक नॉन मेटल और नॉन मेटल एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। अच्छा मान लो हम एग्जांपल ले लें ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन का O2, ऑक्सीजन कैसे बनता है, O और O से, तो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2.6,
8, 2.6. इसका वैलेंस शेल बनाएं 6 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका वैलेंस शेल बनाएं 6 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 6 हैं, तो ये चाहेगा दो और भी है, तो ये दो इसके शेयर कर लेगा. इसके गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसको भी 8 चाहिए, इसके पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके दो शेयर कर लेगा. अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इसके पास भी 8. तो इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन दिया, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन दिया, यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग हुई, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की. एक पेयर इसने दिया, एक पेयर इसने दिया. तो जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो, इनको ऐसे बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड. फायदा क्या हो रहा है कि फायदा ये हो रहा है कि भाई साहब की दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए. कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दो इसने शेयर किए, दो इसने. इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 में से यूज कितने किए, सिर्फ दो. अब जैसे हम फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन देख लें, N2 एक नॉन मेटल दूसरा नॉन मेटल, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2.5, 7, 2.5. तो नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है. कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लास्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन. तो ये नाइट्रोजन मैंने बनाया 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे भी बनाया 1, 2, 3, 4, 5. अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3. तो इसने क्या किया कि लॉ हम तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें. इसके पास भी 5 है, इसको भी 3 होना चाहिए, तो इसने लॉ हम तुम्हारे 3 शेयर कर लें. तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो गई भाई साहब. और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग अगर है 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, ध्यान से देख लो, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो दो शेयर करेंगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड. और नाइट्रोजन में जैसे देखो 3-3 शेयर किया तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और 4-4 नहीं, 4-4 शेयरिंग नहीं होती, याद रखना. सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है. चौथा बॉन्ड नहीं होता, 11th की केमिस्ट्री में चीज समझ में आएगी. तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और म्यूचुअल शेयरिंग, जितना तुम दोगे उतना हम देंगे. और कोवेलेंट बॉन्ड कई तरह के हमने देखा, सिंगल, डबल और ट्रिपल. इसके बेसिस पे हमसे कहते हैं कि वो कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे हमसे उन्होंने कहा ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब हमने किसका किसका बना चुके हैं, हाइड्रोजन का बना चुके हैं, ऑक्सीजन का बना चुके हैं, नाइट्रोजन का. अब हमसे उन्होंने कहा स्ट्रक्चर बनाइए मीथेन का, CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए, CCl4 का स्ट्रक्चर बनाइए, वाटर का स्ट्रक्चर बनाइए, अमोनिया का. आइए स्टार्ट करें. और इस स्ट्रक्चर का नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है. तो लुइस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको कई बार आप लोग, लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, या इसका नाम कॉसल एंड लुइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है. इसमें कंडीशन ये है कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को शो करना है और किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं, सिर्फ जो आखिरी शेल है. चलिए स्टार्ट करें, हाइड्रोजन को देखें. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1. इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन, 1. ये बॉन्ड बना दिया, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये. ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6. अभी हम बना चुके हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6. और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये बन गया. नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5. अभी हमने बनाया था 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड. अब आगे बढ़ते हैं मीथेन पे, CH4. इसको स्टार्ट. तो मीथेन में एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है. कार्बन का नंबर 6, 2.4, हाइड्रोजन का 1. तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने ये कार्बन बनाया 1, 2, 3, 4. इसको हम मीथेन बोलते हैं, CH4 को. कितने हाइड्रोजन है, 4. तो एक हाइड्रोजन यहां से आया, एक हाइड्रोजन यहां से आया, एक हाइड्रोजन यहां से आया, एक हाइड्रोजन यहां, चारों तरफ से घेर लिया. हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, 1, 1, 1, 1. इस हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक और, तो उसने इससे शेयरिंग की. इसको चाहिए एक और, इसने इससे शेयरिंग की. इसका एक और, इसने इससे शेयरिंग, इसका एक और, इसने इससे शेयरिंग. कार्बन को देखो, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे और 4 शेयर होकर मिल गए, 8. हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, कार्बन को 8. 4 पहले से थे और 4 इसने शेयरिंग से बना लिए, बन गए 8, बन गए. आइए इसको देखें, CCl4, बड़ा फेमस कंपाउंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल से बना होता है. क्यों बता दिया, क्योंकि एग्जाम में आता है. कार्बन टेट्राक्लोराइड किससे बना है, मॉलिक्यूल से. आओ देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो यार एक तो कार्बन हो गया इसमें, क्या बताता हूँ. कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4. और भाई साहब दूसरा इसमें क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2, 8, 7. तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे मैं क्लोरीन बनाऊंगा, 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब क्लोरीन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1. तो एक की शेयरिंग की, इसने भी एक की शेयरिंग, इसने भी एक की शेयरिंग, इसने भी एक. क्लोरीन के 8 हो गए. कार्बन के 4 थे, 4 शेयर हुए, कार्बन के भी 8 हो गए. जैसे हमसे कहा वाटर का बनाएंगे स्ट्रक्चर, H2O. तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6. आइए बना लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहां पे हाइड्रोजन बनाया एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे हाइड्रोजन बनाया एक, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक एक और, ताकि ड्यूप्लेट हो जाए, ये ऑक्सीजन को देखिए 2, 4, 6 और ये केशियर किया, एक केशियर किया, हो गए 8। और ये स्ट्रक्चर बनाते हैं अमोनिया का, NH3 अमोनिया। तो यार नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन बना ले, 1, 2, 3, 4, 5। और अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर से आया डॉट, एक हाइड्रोजन इधर से आया डॉट, एक हाइड्रोजन इधर से आया डॉट। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2। नाइट्रोजन की गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो यार लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपसे डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले कुछ भी पूछ सकता है, पर ये सबसे ज्यादा कॉमन स्ट्रक्चर हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इनको ध्यान से देख लीजिए। बाकी लेवल जैसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे अब इसमें अगर तुमसे इथीन, इथिलीन, है ना, एसिटिलीन, इथाइन, ये सब पूछे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो अच्छे से देख लो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स अच्छे से पढ़ लो, वहाँ पे इसके स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं जैसे तुमसे बोल देता है मान लो इथीन बनाओ, है ना, तो इसके लिए तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से करो, तुमसे बोल देता है एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए तुम ऐसा करो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो, तुमसे बोले इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, वहाँ से आएगी सब चीज़ें यहाँ पे टाइम पे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के तरीके। अब बात आई कोवेलेंट बॉन्ड किन चीज़ों से बने हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो यार कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल से बने हैं। आपने देखा कि इनमें कोई आयंस नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहा, नहीं कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा, मतलब ये आयंस से नहीं बने, नॉट आयंस, ये आयंस से नहीं बने, ये किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से। और क्योंकि ये मॉलिक्यूल से बने इसलिए यार जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट ऑलवेज बट जनरली। भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए मैंने बताया ना क्या चाहिए, आयंस, इनके पास आयंस नहीं, इनके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स। कोवेलेंट बॉन्ड की जो फोर्स होती है दे हैव अ वेरी वीक वैन डर वाल फोर्स, ठीक है, जिसको तुम इंग्लिश में या बचपन से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते आ रहे हो। आप बोलते हो कि नहीं कि उनके आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स का नाम है वैन डर वाल फोर्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड में या कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में कैसी फोर्सेस होती हैं, वीक वैन डर वाल फोर्स होती है, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। आयनिक बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, इट इज अ वीक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड व्हेन कंपेयर्ड टू आयनिक बॉन्ड। तो यार आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, इस वजह से आयनिक कंपाउंड एकदम कंप्रेस्ड सॉलिड थे, कोवेलेंट वीक है, तो दे एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉफ्ट सॉलिड्स। एग्जाम में सवाल आ जाए, एग्जाम में आपके पास सवाल आ जाए कि व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स, आप बताओ, बिकॉज दे हैव वीक वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन देम, दे हैव वेरी वीक फोर्सेस, दे हैव वीक इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, व्हेयर एज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है ना, एक वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स क्या होती है, जो न्यूट्रल एटम के बीच में होती है, यहाँ पे एटम न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। और क्या बात कर सकते हैं हम, और हम बात करते हैं इनकी सॉलिबिलिटी पे, तो इनकी सॉलिबिलिटी पे बात करने के लिए आपको हमें एक चीज समझानी पड़ेगी, पोलर और नॉन पोलर, तो वहां पे जाके इनकी सॉलिबिलिटी की हम आपसे बात करेंगे। अभी इतना समझ लो कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है, जनरली दे आर वाटर इनसॉल्युबल, जबकि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल थे। थोड़ी देर बाद इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे सॉलिबिलिटी के बारे में, अभी जनरली बोल देते हैं कि वाटर में हमारे इनसॉल्युबल है। फिर बात आई इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो यार जब इनकी फोर्सेस वीक है तो क्या लग रहा है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। रीजन पूछा ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दे हैव वीक वैन डर वाल फोर्सेस, फोर्सेस वीक हैं, आसानी से बॉइल हो जाएंगे, आसानी से मेल्ट हो जाएंगे, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स अगर गैसेस हैं तब तो वेपर के फॉर्म में दिखेंगे, पर अगर वो लिक्विड है तो वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, कई बार हमेशा नहीं होते ये सब चीज, जनरल है सब बातें, वोलेटाइल लिक्विड मतलब इवेपोरेट कर जाएगा, क्यों वोलेटाइल है, बिकॉज दे हैव वीक वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन देम। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड की कुछ जनरल बातें थी कि सॉफ्ट सॉलिड लिक्विड या गैसेस की तरह एग्जिस्ट करते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि आयंस नहीं है, मॉलिक्यूल से बने हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं।
तो यार बात करते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। तो पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। तो मैं इतना टायर्ड हो गया हूँ कि अब उठ के नहीं लिखा जा रहा है, रात का समय, झूमे चंद्रमा। तो पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यार कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर। देखो नॉन पोलर वो होते हैं जो जनरल, अभी तुमने कोवेलेंट कंपाउंड पढ़े, जो कोवेलेंट कंपाउंड तुम पढ़ रहे जरा, जो हम बता रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, बताइए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। वाटर में सॉल्युबल होता है कि नहीं होता? तो वाटर में कैसा होता है कोवेलेंट कंपाउंड? वाटर में होता है इनसॉल्युबल। तो वो वाले जो कोवेलेंट कंपाउंड थे उन्हीं को आप नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हो। मतलब जनरल जो कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ रहे थे वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड थे। अभी एक नए तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स निकलेंगे जो कि होंगे पोलर। एग्जाम्पल से ही कहानी स्टार्ट करता हूँ। तो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, और एग्जाम्पल है HCl का। देखो HCl किससे बना है? नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल से क्या बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड। अब यार HCl में क्या खास बात है, पहले आओ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में सात, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, यानी सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड। अब होता क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड में कि क्लोरीन ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन के जो पेयर है, जो शेयर्ड पेयर है, इनको अपनी तरफ खींचने लगता है। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हैं, ये इक्वली शेयर नहीं होंगे। म्यूचुअली शेयर हुए हैं, मतलब दोनों ने एक एक दिए हैं, पर इक्वली शेयर नहीं होंगे। ये जो पेयर है ना, इसको क्लोरीन अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से क्लोरीन की तरफ भागने लगेंगे, ठीक है। तो होगा ये कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर गया तो हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पूरा नहीं, थोड़ा सा। डेल का मतलब ये डेल, ये डेल, डेल का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। और बगल में हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन पे आ जाएगा डेल नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। ये जो बने ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्लोरीन पे नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। तो ये जो छोटे पॉजिटिव छोटे नेगेटिव बने, इनको हम बोलते हैं पोल्स, है ना, पोलैरिटी आ गई इसमें, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। और ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिव थोड़ा सा नेगेटिव हो, इनको हम बोलते हैं कौन सा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। जैसे अभी तक तुम देख रहे थे, अभी तक तुम देख रहे थे भाई साहब हाइड्रोजन, अब इसमें एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, तो कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। तुम देख रहे थे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में भी दोनों एटम सेम है तो कोई इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। तुम देख रहे थे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में भी दोनों एटम सेम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। पर मान लो दो एटम्स डिफरेंट हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस है, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उसके ऊपर थोड़ा नेगेटिव चार्ज और बचे वाले के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ये ना थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं, थोड़ा सा ये आयनिक जैसे बिहेव करते हैं। भाई आयनिक कंपाउंड में अगर तुमको याद हो तो आयन्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज किसकी कैरेक्टरिस्टिक थी आयनिक की? याद है NaCl, Na पे प्लस, Cl पे माइनस। वहाँ पे टोटल प्लस वन माइनस वन चार्ज आ रहा था, यहाँ पे डेल प्लस डेल माइनस, मतलब छोटा सा चार्ज आ रहा है। तो क्या होता है ऐसे कंपाउंड्स में कि ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक आयनिक कंपाउंड जैसी दिखाते हैं। मतलब ये कोवेलेंट कंपाउंड तो हैं, डेफिनेटली कोवेलेंट कंपाउंड हैं, और रीज़न क्या है कोवेलेंट कंपाउंड का? कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं। ये नहीं हो रहा कि हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी हाइड्रोजन के पास है, ये इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन के पास है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर के हाइड्रोजन के पास हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी हैं, पर ये क्लोरीन की तरफ थोड़े ज़्यादा टिल्ट हो गए हैं क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिसमें प्लस माइनस चार्ज दिख जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिख जाए, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर निकलते हैं। अब जबकि कोवेलेंट कंपाउंड को वाटर में सॉल्युबल नहीं होना था, बात समझो, पर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल हैं क्योंकि इनकी आयनिक कैरेक्टरिस्टिक आ गई। ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड ना इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इसमें थोड़े बहुत चार्ज प्रेजेंट हैं और इन चार्ज के मूवमेंट हो सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करने लगते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ब्रोमीन पे थोड़ा सा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव, और ये कंपाउंड हो गया हमारा कैसा? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो सर कैसे समझेंगे कोई पोलर कोवेलेंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा कोवेलेंट है कि पोलर कोवेलेंट है? तो आइए ट्रिक बता देते हैं इस चीज़ की आपको। ट्रिक बच्चों ये है कि आप एक चीज़ ये समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में भी था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो यार ये टेंडेंसी का ऑर्डर सीख लो क्या है, फ्लो फोन कलीबर आईएससी, ये ऑर्डर है फोन कलीबर आईएससी। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की, फिर सल्फर की, फिर कार्बन की, और सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन लेते हैं। अब एक चीज़ समझना हमेशा कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं भाई भाई, है ना, तो भाई और भाई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते, मतलब कार्बन हाइड्रोजन का कहीं पे बॉन्ड होगा तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन का खींचना जोड़ना तोड़ना नहीं होगा। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जहाँ भी बॉन्ड दिखेंगे बच्चों वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा, उसमें पोल नहीं बनेंगे, इन दोनों में से कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता। आप बोलोगे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम है, पर इतना डिफरेंस नहीं है कि इलेक्ट्रॉन खींचे। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये कंपाउंड बना दूं मैं, सी एल सी एल सी एल, इसके बारे में ध्यान से देखो क्या लगता है, कार्बन यहाँ पे है, क्लोरीन यहाँ पे है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करेगा, क्लोरीन और खींचेगा क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। पर ये कंपाउंड इतना बढ़िया ज्योमेट्री में है कि ये नॉन पोलर होता है। सर समझाओ क्या हुआ बेटा, थोड़ा सा इसमें ना वेक्टर की कहानी है, लॉजिक है थोड़ी। आप ऐसे समझो कि अगर चार तरफ से आपको पोलर दिखे तो नॉन पोलर बन जाएगा। जैसे ध्यान से सुनो, इसको हम बोलते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपसे कोई पूछे कार्बन टेट्राक्लोराइड भाई साहब कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, तो एग्जाम में आंसर दोगे नॉन पोलर है। वाटर में सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, तो बोलोगे वाटर में इनसॉल्युबल है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं कंडक्ट करता है, बोलोगे नहीं कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। किससे बना है, आयन से कि मॉलिक्यूल से, तो बोलोगे सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल से, अगर आयन से बना होता तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता। अच्छा देखो, अब इसी में तुम डाउट में तुम आ चुके हो कि तुम कह रहे हो कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पर सुनो मान लो इसी जगह मैं ये कंपाउंड दिखाऊं CCl हाइड्रोजन Cl, ये कंपाउंड है ना ये पोलर हो जाएगा क्योंकि इसमें चारों तरफ से बराबर नहीं हुई कहानी, क्लोरीन इधर से खींचेगा, क्लोरीन इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, पर इधर से नहीं खींचा, तो ये कंपाउंड कैसा रह गया, पोलर। तो थोड़ा बहुत तुमको ज्योमेट्री यानी कैसे बना है इसका भी आइडिया होना चाहिए। जैसे ये कंपाउंड बड़ा फेमस है केमिस्ट्री में, CHCl3 क्लोरोफॉर्म इसका नाम है। तो अगर एग्जाम पूछता है क्लोरोफॉर्म कैसा कंपाउंड है, तो आप बोलो कि भाई साहब क्लोरोफॉर्म तो कैसा है, पोलर, पर कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा है, नॉन पोलर, क्योंकि चारों तरफ से बॉन्ड बराबर है। और बात करते हैं पोलर नॉन पोलर कंपाउंड की। जो हमारे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, है ना, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ये आयनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, मतलब ये आयन से बने होते हैं और साथ में मॉलिक्यूल से भी, मतलब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। आयन्स मतलब आयनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक, मॉलिक्यूल्स मतलब कोवेलेंट। जैसे हमसे पूछता है एग्जाम में HCl किससे बना है, तो बोलो HCl आयन से भी बना है, मॉलिक्यूल से भी बना है। HCl को पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा, आयन्स भी मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स भी। पर मान लो हमसे एग्जाम में पूछा कि भाई साहब हमने CCl4 को पानी में डाला एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या मिलेगा, आयन्स की मॉलिक्यूल्स, तो आंसर दोगे कि सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे भाई साहब, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्यों मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि ये कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर है। जैसे हम कुछ कंपाउंड यहाँ बना रहे हैं, आप बताइएगा पोलर नॉन पोलर, अमोनिया NH3 बताइए क्या कहते हैं। तो और लिस्ट देखो, नाइट्रोजन कहाँ पे है देखो जरा, अरे नाइट्रोजन तो बहुत स्टार्टिंग में बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत इलेक्ट्रॉन खींचता है, और हाइड्रोजन बहुत दूर है, बहुत डिफरेंस है। और NH3 कैसा होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बराबर से हर तरफ से बैलेंस भी नहीं है, तो कैसा कंपाउंड निकलेगा ये, पोलर। हम बोलें कि अमोनिया को NH3 को हमने पानी में डाला, किस में डाला, एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, तो इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे यार तो क्या मिलेगा तुमको, आयंस भी मिलेंगे और क्या मिलेगा, मॉली
मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। जैसे हमसे एग्जाम में पूछता है वाटर कैसा है, वाटर किससे बना है, H2O, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, मतलब कोवेलेंट तो है, इस पर तो डाउट है नहीं, डाउट है पोलर है कि नॉन पोलर। तो लिस्ट देखो यार, ऑक्सीजन कहाँ पे है लिस्ट में, देखो काफ़ी स्टार्टिंग में है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है। और H2O बना कैसा होता है, थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कैसा बना होता है, OHH ऐसा बना होता है, मतलब चारों तरफ से बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, मतलब ये भी कैसा कंपाउंड होगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पानी कैसा कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अमोनिया कैसा है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा है, नॉन पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा है, नॉन पोलर। एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, से वो सिर्फ मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, HCl कंडक्ट करेगा। तो ये होते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब एक कहानी समझो, मान लो मैंने एक आयनिक कंपाउंड को, एक आयनिक कंपाउंड को ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है, वाटर में डाला। जैसे मान लो NaCl को मैंने एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में डाला, तो क्या होगा, तो आयंस निकल आएंगे Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि मैंने बताया पानी इनके बीच की फोर्स को तोड़ता है और आयंस को अलग कर देता है। पर आयंस इसमें पहले से प्रेजेंट थे, सिर्फ आयंस सेपरेट हुए हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोसिएशन। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, वो शो करते हैं डिसोसिएशन। अच्छा मान लो मेरे पास HCl है, तो क्या HCl में आयंस हैं, नहीं, पानी डालने से इनके अंदर आयंस बनेंगे और आयंस टूट के बाहर आएंगे, है ना। ध्यान से सुनो, मतलब ये कौन सा कंपाउंड है HCl हमारा, पोलर कोवेलेंट, है ना। HCl ऐसे टूटता है ना, H प्लस और Cl माइनस, NaCl ऐसे टूटता है Na प्लस और Cl माइनस, पर Na प्लस और Cl माइनस आयंस पहले से थे, आयंस नहीं बने, सिर्फ आयंस टूट गए, तो इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। इसमें आयंस बने भी और टूटे भी, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। तो यार याद रखना कि आयनिक कंपाउंड आयनाइजेशन नहीं करते, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। जैसे हम तुमसे पूछें HCl पानी में जाके आयनाइज होता है कि डिसोसिएट, तो बोलो HCl पोलर कोवेलेंट है, पहले आयंस बनेंगे फिर वो टूटेंगे, तो HCl क्या होगा, आयनाइजेशन। पर NaCl में आयंस पहले से थे, सिर्फ वो टूट के बाहर आएंगे, तो उसका क्या होगा, डिसोसिएशन। तो आयनिक कंपाउंड क्या शो करते हैं, डिसोसिएशन। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आयनाइजेशन। याद कैसे रखोगे, आयनिक कंपाउंड जैसे आए तो बोलना आयंस तो इसमें पहले से है, तो ये आयनाइज तो नहीं हो रहा, सिर्फ आयंस टूट रहे हैं, मतलब डिसोसिएशन। और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं है, छोटे छोटे चार्ज थे, पानी डालने से आयंस बन गए, तो इनका क्या हुआ, आयनाइजेशन। तो यार यही डिफरेंस है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा नॉन पोलर पहचानने का बड़ा आसान तरीका है कि एक तो तुमको कार्बन हाइड्रोजन वाले दिखें, दूसरा इसको याद रखो CCl4, और तीसरा यार जब सेम एटम्स हों, जैसे H2 दोनों हाइड्रोजन है तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, जैसे O2 है ना दोनों ऑक्सीजन है कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, इस तरह कंपाउंड हों। जैसे HF है तो पोलर हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हैं। क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल दिया मैंने, CHCl थी, इसमें चारों तरफ से बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है तो कैसा है, पोलर, बैलेंस हो जाएगा तो नॉन पोलर। तो बच्चों यही था पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू थ्रू एन एग्जांपल। सो देयर आर टू कंपाउंड्स इन योर सिलेबस व्हिच कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द फर्स्ट इज हाइड्रोनियम आयन एंड द सेकेंड इज अमोनियम आयन। लेट अस गो टू हाइड्रोनियम आयन। ओके, so what really is a hydronium ion? See, whenever we have some acid, what is an acid? Suppose we have HCl, suppose we have H2SO4, suppose we have HNO3 and so on and so on. There are so many acids. Whenever an acid dissolves in water, it releases H plus ions. Okay? Whenever an acid goes into water, what does it give? It gives H plus ion. This H plus from HCl goes into water. This is the property of maximum acids or most of the acids, that they give H plus ion. So what is actually this H plus? See, hydrogen has one electron because it has atomic number 1. If hydrogen loses this one electron, okay, this one electron comes out of the hydrogen. So what is hydrogen left with? One proton, so it has a positive charge. You can also imagine it like something which is neutral in the beginning. Yes, hydrogen atom is neutral, an atom is neutral. It loses an electron and hence it loses an electron which contains a negative charge, and hence the atom gains a positive charge. So this is H plus. It has how many electrons? 0 electrons. Okay, so how many electrons does H plus actually need? So you have studied
the octet theory. Why does an atom forms bond? An atoms form bond to gain 8 electrons in the valence shell. In its outermost shell, an atom must have 8 electrons. Okay, but there is an exception to it. What is the exception? Hydrogen. Hydrogen only needs 2 electrons in the outermost shell. Now you will ask why? Because the next noble gas to hydrogen is helium. Yes, hydrogen over here in the periodic table, then helium. And helium has how many electrons in the outermost shell? Only 2 electrons. Hence, hydrogen will be very happy if it gets somehow how many electrons? 2 electrons. Okay. Now, we have H2O. Okay. This acid is dissolved in water. What is water? Water is H2O. So, what is the structure of H2O? Let us try to draw. So, you have oxygen, atomic number 8. So, configuration will be 2, 6. And you have hydrogen, atomic number 1. So, configuration will be 1. So, in Lewis structure, we only draw the outermost electron. What electrons? The outermost electron. So, for oxygen, I'll be drawing only 6 electrons. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. So, we have 2 hydrogen over here. 1 hydrogen comes from this side. Another one comes from this side. So, hydrogen has how many electrons? 1 electron. Let us denote the electron of hydrogen with a cross, not with a dot, with a cross. Now you see, oxygen will need how many electrons? 8 electrons. Every atom tries to achieve an octet, 8 electrons in the outermost shell. Oxygen has 6, it needs 2 more. So it asks for 1 electron from this hydrogen and 1 electron from this hydrogen. Okay, so what happens with this electron? Does hydrogen donate this electron to oxygen? No, it just shares this electron. Okay, and over here also shares the electron. So now oxygen has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What about hydrogen? Hydrogen needs total of 2 electrons. It already has 1 electron, so it gained another electron. It already has 1 electron, so it gained another electron from oxygen. So it also shared electron. So hydrogen has now its duplet complete. What is duplet? Duplet means 2 electrons. This also has duplet complete. And oxygen, what about oxygen? Oxygen now has its octet complete. 8 electron in outermost shell. What is this kind of bond? See, in this bond, hydrogen donated 1 electron. Oxygen also donated 1 electron. Now this electron belongs to hydrogen as well as hydrogen. Oxygen as well as hydrogen. And this electron belongs to hydrogen as well as oxygen. So this electron is mutually shared. Mutually shared. Mutually means each one contributing to the sharing. Not only one atom is bearing it. You know? Both are donating something. Both are sharing something. It shares 1 electron. It shares 1. Equal sharing. And over here also what is happening? Mutually sharing. What is mutually shared bond called? It is called covalent bond. What kind of bond? Covalent bond. And what is this one? This is also a covalent bond. So these two bonds are covalent. Now what about this H plus, which has came into water because an acid is dissolved. This acid gave H plus and over here we have water. So this H plus comes crying for 2 electrons to this water. Now water is stable. Yes? Water is stable. Oxygen has 8 electrons, octet complete. Hydrogen has its duplet complete. There is a good covalent bond, mutual sharing, contributing 1 electron each in the bond. They are okay, fine. But this hydrogen, H plus, needs how many electrons? 2 electrons. Now, how will it get 2 electrons? See, these 2 electrons of oxygen, which are not participating in sharing, are called as, I'll talk about it here, are called as lone pair of electron. What? Lone pair. Lone because they are alone over there, and pair because there are 2 electrons. Now oxygen thought of something. It said, okay, fine, you take my 2 electrons, but I'll have this arrow with myself. What does this arrow mean? That I have donated this electron to you. This electron does not belong to you. This is my electron. You just keep it for sharing purpose, but it is actually mine.
So these two electrons belongs to whom? Hydrogen or oxygen. Now after sharing they belongs to both, but still oxygen has an upper hand, and oxygen behaves like, okay, hydrogen you have it, H plus, these two electrons you have it, but still I'll be called donor and you will be called acceptor. So such a bond in which both the electrons of the sharing are contributed only by one atom. Over here you see, over here one electron is contributed by hydrogen, one is given by oxygen. But what happens here? Oxygen gives both the electrons of sharing. So this is not a mutual sharing. Okay? Such a bond is called coordinate bond. Also, what is a coordinate bond? When an atom having two extra electrons, what are they called? Lone pair. And this atom must have its octet complete. This does not need any extra electron. And some atoms come from here. How many electrons it needs? It needs 2 electrons. So this atom donates 2 electrons to this atom and they make a pact. Okay, these electrons I have given to you, but at finally these electrons belongs to me. So arrow always points from the donor atom towards the acceptor atom. Okay, so such a bond is called a coordinate bond. So here we have a coordinate bond. Now this plus charge won't vanish. See, overall this hydrogen still has a deficiency of 2 electrons. Okay, fine, oxygen has given it electron, but overall there is still a deficiency. So we will write it like H3O plus and we will close it in brackets. Now why so? When we will look at the structure of H3O plus, you cannot tell this is coordinate bond, this is covalent bond, this is covalent bond. All these are imagination. These arrow, what do you think? Water molecule actually has arrow when acids fall into it? No, not at all. So these are just imagination. So plus charge is over here. The plus charge can be on this hydrogen as well as this hydrogen. So these are two covalent bond and this is one coordinate bond. Okay. Now let us see the structure of ammonium ion NH4 plus. So somehow from some acid, what comes into play? Now we are talking about what? We are talking about ammonium ion. So from some acid we get what? H plus again. And now we will have ammonia with us. What? Ammonia. Now ammonia is a base, so acid will react with base. Okay, so what is ammonia made up of? NH3. So nitrogen, atomic number 7, configuration will be 2, 5. Hydrogen, atomic number 1, configuration will be 1. So we will be drawing only the outermost shell electron. So nitrogen has 5 electrons. So 1, 2, 3, 4, 5. And hydrogen has 1 electron. And how many hydrogen? 3. So one from this side, one from this side, and one from this side. Okay. Now nitrogen needs a total of 8 electrons. It has 1, 2, 3, 4, 5. So shares one more and shares one more. Now nitrogen has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Such bonds are called covalent bond. Okay. The topic here is coordinate bond. Covalent is an easy thing. Okay. So 1 covalent, 2 covalent and 3 covalent bond. Hydrogen has 1, 2, 1, 2, 1, 2. So everyone over here has its octet complete about nitrogen, and hydrogen has its duplet complete. And what kind of sharing they are taking place, what kind of sharing they have done, agreed upon? They have agreed upon mutual sharing. You contribute one electron, I will contribute one. Now these two electrons which does not take part in bond are called lone pair. Now who comes? H plus come. It says I need how many electrons? 2 electrons. Nitrogen says, okay, I will become donor, you become accepted and accept these two electrons. Now these two electrons belongs to you as well as to me, and such a bond will be called coordinate bond. Okay, so there are 3 covalent bond, covalent, 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 and 1 coordinate bond. And we will write the formula like NH4 plus, because we really don't know where the plus charge is on this, on this, on this, on this. You know what happens actually, you cannot distinguish that this is the coordinate bond and this is the covalent bond. Yes, we know that in ammonium ion there are 3 covalent and 1 coordinate bond. See, every year in ICSC these questions are asked.
इधर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन. समटाइम्स इट इज सेड लाइक दिस, व्हेन एन एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर एन आयन इज प्रोड्यूस्ड. सी व्हेन एन एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर, व्हेन एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर एन आयन इज प्रोड्यूस्ड. सो एसिड गिव्स एच प्लस, बट एच प्लस डज नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, इट गोज एंड कंबाइंस विद H2O टू फॉर्म H3O प्लस. सो वॉट इज दिस? हाइड्रोनियम आयन. वॉट इज दिस? हाइड्रोनियम आयन. आई होप यू कैन ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स नाउ. थैंक यू.